हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेडिकल पल्सनेट चैनल। तो एवरीवन, टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट होने वाली UPBSC नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आप लोग जो इस केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर के PDF को जो आप लोग आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, जिसको आप लोग ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करके आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन और ऑक्सीजन संयोजित होकर दो ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्रमशः 12:16 और 12:32 है। ये आंकड़े व्याख्या करते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है संयोजित होकर कंबाइन होकर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो है कार्बन और ऑक्सीजन के जो भार का अनुपात है क्रमशः वह 12:16 और 12:32 है। तो ये आंकड़े जो है किसकी व्याख्या करते हैं बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गुणित अनुपात का नियम, सेकेंड है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, थर्ड है द्रव्यमान संरक्षण का नियम एंड लास्ट ऑप्शन है स्थिर अनुपात का नियम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, गुणित अनुपात का नियम। अगला प्रश्न पूछा गया है, जल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड निम्नलिखित में कौन सा नियम दर्शाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्थिर अनुपात का नियम, सेकेंड है व्युत्क्रम अनुपात नियम, थर्ड ऑप्शन है रासायनिक तुल्यता का नियम एंड लास्ट ऑप्शन दिया गया है गुणित अनुपात का नियम। तो जल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये दोनों जो है गुणित अनुपात का नियम दर्शाते हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, 12 लीटर हाइड्रोजन का ESTP पर लगभग द्रव्यमान क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.7 ग्राम, सेकेंड है 2.8 ग्राम, थर्ड है 1.4 ग्राम एंड लास्ट ऑप्शन है 3.0 ग्राम। तो 12 लीटर नाइट्रोजन का ESTP पर लगभग द्रव्यमान जो है 1.4 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो किस ब्लॉक का एलिमेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है एस ब्लॉक तत्व, सेकेंड है पी ब्लॉक तत्व, थर्ड ऑप्शन है डी ब्लॉक तत्व एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नीशियम जो है वह इस ब्लॉक का एलिमेंट है, ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मानक स्थितियों के अनुसार आयतन द्वारा 21% ऑक्सीजन से जुड़े 1 लीटर वायु में ऑक्सीजन के मोलों की संख्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.0093 मोल, सेकेंड है 2.10 मोल एंड थर्ड ऑप्शन दिया 0.186 मोल, लास्ट ऑप्शन है 0.21 मोल। तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, 0.0093 मोल। यहाँ पे पूछा क्या है, मानक स्थितियों के अनुसार आयतन द्वारा 21% ऑक्सीजन से जुड़े 1 लीटर वायु में एयर में ऑक्सीजन के मोलों की जो संख्या होगी वह 0.0093 मोल है। अगला प्रश्न है, अम्लीय माध्यम में FeSO4 और FeC2O4 के प्रत्येक 1 मोल के मिश्रण में KMnO4 की कितने मोलों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 4/5, सेकेंड है 5/4, थर्ड है 3/4 एंड लास्ट ऑप्शन दिया है 5/3। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, 4/5। अगला प्रश्न है, अणुओं की संख्या सर्वाधिक है किसमें। फर्स्ट ऑप्शन है STP पर 15 लीटर हाइड्रोजन गैस में, सेकेंड है STP पर 5 लीटर नाइट्रोजन गैस में, थर्ड 0.5 ग्राम हाइड्रोजन गैस में एंड लास्ट ऑप्शन है 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस में। तो अणुओं की संख्या जो सर्वाधिक होती है वह STP पर 15 लीटर हाइड्रोजन गैस में होगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किसी गैस के 1 ग्राम का NTP पर आयतन 28 मिलीलीटर है, इस गैस का अणु भार क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 56, सेकेंड है 40, थर्ड ऑप्शन है 80 एंड लास्ट ऑप्शन है 60। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, यहाँ पे 80। अगला प्रश्न है, एक परमाणविक द्रव्यमान इकाई AMU का मान क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 127 MeV, सेकेंड है 9310 MeV, थर्ड है 931 MeV एंड लास्ट ऑप्शन है 937 MeV। तो 12 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, 931 MeV। अगला प्रश्न है, 10 मोल ESCl के 100 मिलीलीटर को 10 मोल NA2CO3 के
75 मिलीलीटर के साथ मिलाया गया तो परिणामी विलयन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है अम्लीय, सेकेंड है क्षारीय, थर्ड ऑप्शन है उभयधर्मी एंड लास्ट ऑप्शन है उदासीन। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, क्षारीय। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है किसी स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, सेकेंड है किसी स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, थर्ड है दोनों ही एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, किसी स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1 ग्राम क्लोरीन गैस में क्लोरीन के मोलों की संख्या क्या है? 1 ग्राम क्लोरीन गैस में क्लोरीन के मोलों की संख्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 0.01, सेकेंड 0.1, थर्ड ऑप्शन है 0.05 एंड लास्ट ऑप्शन है 0.5। तो 1 ग्राम क्लोरीन गैस में क्लोरीन के मोलों की संख्या जो होगी वह 0.1 होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है H3PO4 के 1 मोल विलयन की नॉर्मलता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 0.5 नॉर्मल, सेकेंड 1 नॉर्मल, थर्ड 2 नॉर्मल एंड लास्ट ऑप्शन है 3 नॉर्मल। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी वाला 3 नॉर्मल। अगला प्रश्न है लिथियम है एक क्षार धातु, एक संक्रमण धातु, थर्ड ऑप्शन है एक क्षारीय मृदा धातु एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लिथियम एक प्रकार की क्षार धातु है, ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एस ब्लॉक तत्व, सेकेंड है पी ब्लॉक तत्व, थर्ड है डी ब्लॉक तत्व एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट जो है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर यूपी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, यूरिया के जलीय विलयन की मोललता 44 मोल प्रति किलोग्राम है, विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 0.074, सेकेंड है 0.00133 एंड थर्ड ऑप्शन 0.008, लास्ट ऑप्शन 0.0044। तो यूरिया के जलीय विलयन की मोललता 44 मोल प्रति किलोग्राम विलयन में जो है मतलब किलोग्राम है, तो विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज यहाँ पे जो है 0.074 होगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है वर्ग 13 का प्रथम सदस्य है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड है बोरान एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग 13 का जो प्रथम सदस्य फर्स्ट मेंबर है वह जो है बोरान है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है H3BO3 क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाइट, सेकेंड है बोरेक्स, थर्ड ऑप्शन है आर्थोबोरिक अम्ल एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो H3BO3 जो है वह आर्थोबोरिक अम्ल है। अगला प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर UPSC नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आया था, आशुद्ध जल डिस्टिल्ड जल की मोलरता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 55.56, सेकेंड है 18.00, थर्ड ऑप्शन है 49.87 एंड लास्ट ऑप्शन है 81.00। तो आशुद्ध जल डिस्टिल्ड वाटर की जो मोलरता होता है वह जो है 55.56 होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो करेक्ट है। बट यहाँ पे क्या है 55.56 लिखा है लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है 55.55 लिखा रहता है, तो वो भी ऑप्शन करेक्ट रहेगा और 55.56 वाला भी करेक्ट रहेगा अगर वहाँ पे 55.56 नहीं दिया है तो। अगला प्रश्न है प्रोपेन के विरचन के लिए किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होगी? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपेनोइक अम्ल, सेकेंड है ब्यूटेनोइक अम्ल, थर्ड है एथेनोइक अम्ल एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोपेन के विरचन के लिए जो है यहाँ पे किस अम्ल की सोडियम लवण की आवश्यकता होगी वह जो है ब्यूटेनोइक अम्ल की आवश्यकता होगी, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश क्या होता है? +1, सेकेंड -1, थर्ड ऑप्शन 0 एंड लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश जो है वह -1 होता है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है अल्कोहल का IUPAC समूह अनुलग्न है, फर्स्ट ऑप्शन है एल, सेकेंड है ऑल, थर्ड ऑप्शन है ओन एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अल्कोहल का IUPAC समूह अनुलग्न जो है वह ऑल है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्न में से
सबसे अधिक नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या किसमें है? फर्स्ट ऑप्शन है NH4Cl का 1 मोल, सेकेंड दो मोल NH3 का 500 मिलीलीटर, थर्ड ऑप्शन है NO2 के 60^23 × 10^23 अणु, एंड लास्ट ऑप्शन है NTP पर 22.4 लीटर N2 गैस। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे अधिक नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या किसमें है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है NTP पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर सामान्य ताप दाब पर 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस में जो है नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है H2O का मोलर द्रव्यमान क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 18, सेकेंड 20, थर्ड ऑप्शन 8 एंड लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला है 18। तो हम यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आपके UPBSC नर्सिंग एंड MS BSC नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है पोटेशियम के 1 मोल में होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 6.022×10^22 परमाणु, सेकेंड ऑप्शन है 6.022×10^24 परमाणु, थर्ड 6.022×10^23 परमाणु, एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पोटेशियम के 1 मोल में जो है 6.022×10^23 परमाणु होते हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कणकीय प्रदूषक धूल उपस्थित होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, सेकेंड है सप्ताम मंडल में, थर्ड ऑप्शन है दोनों ही में, एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कणकीय प्रदूषक धूल उपस्थित जो होते हैं वह क्षोभ मंडल में होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है प्रोपीन का ओजोनी अपघटन क्या देता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपेन 2 ओन, सेकेंड है एथेनल तथा मेथेनल, एंड लास्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है मेथेनल, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोपीन का जब ओजोनी अपघटन ओजोनोलाइसिस किया जाता है तो वह तो यह जो है एथेनल तथा मेथेनल बनाता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 16 ग्राम ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से 18 ग्राम जल बनाता है, यह आंकड़े रासायनिक संयोग के किस नियम की पुष्टि करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है द्रव के संरक्षण का नियम, सेकेंड है स्थिर अनुपात का नियम, थर्ड ऑप्शन है गुणित अनुपात का नियम, एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो यह रासायनिक संयोग जो है द्रव के संरक्षण के नियम का पुष्टि करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है लिथियम का वर्ग संख्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड है 2, थर्ड ऑप्शन 0 एंड लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो लिथियम का वर्ग संख्या जो है वह 1 है। ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 2.0 मोलल विलयन तब बनता है जब 0.5 मोल विलय घोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 250 ग्राम विलायक में, सेकेंड है 500 मिलीलीटर विलायक में, थर्ड ऑप्शन है 250 मिलीलीटर विलयन में, एंड लास्ट ऑप्शन 250 मिलीलीटर विलायक में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 250 ग्राम विलायक में। अगला प्रश्न है 1 मोल ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 6.022×10^23। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। 1 मोल ऑक्सीजन गैस में अणुओं की जो संख्या होती है वह 6.02×10^23 होता है। ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है शुद्ध जल की मोलरता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा या क्वेश्चन सेकेंड बार रिवीजन हो गया यहाँ पे 55.56। अगला प्रश्न है 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 6.022×10^23, सेकेंड है 3.011×10^23, थर्ड ऑप्शन है 12.044×10^23, एंड लास्ट ऑप्शन है 1.55×10^23। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या जो है वह 3.011×10^23 है। अगला प्रश्न है 27 ग्राम एल्युमिनियम कितने ग्राम ऑक्सीजन से पूर्णतया क्रिया करता है? फर्स्ट ऑप्शन है 8 ग्राम, सेकेंड है 16 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 32 ग्राम एंड लास्ट ऑप्शन है 24 ग्राम। तो 27 ग्राम एल्युमिनियम जो है 24 ग्राम ऑक्सीजन से पूर्णतया क्रिया करता है।
अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में कितने अणु होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लगभग 12×10^23, सेकेंड है लगभग 6×10^23, थर्ड ऑप्शन है लगभग 10^23 30 एंड लास्ट ऑप्शन है लगभग 3×10^10। तो कार्बन डाइऑक्साइड की 44 ग्राम में जो है लगभग 6×10^23 अणु होते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है तो उसका अणु सूत्र क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है CH2O, सेकेंड है C2H4O2, थर्ड ऑप्शन है C3H6O3 एंड लास्ट ऑप्शन दिया गया है C3H6O2। तो यौगिक का अणु सूत्र जो है C2H4O2 ऑक्जेलिक अम्ल, या जो है ऑक्जेलिक अम्ल जो ऑक्जेलिक एसिड होता है इसी का फॉर्मूला है क्या, C2H4O2, ये जो है ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइडों N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5 का बनना किस नियम के अनुसार है? फर्स्ट ऑप्शन है स्थिर अनुपात, सेकेंड है गुणित अनुपात, थर्ड तुल्य अनुपात एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे, जो यह जो गुणित अनुपात के नियम के अकॉर्डिंग है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का प्रतिशत किसमें सबसे अधिक है? यह भी आपके प्रीवियस ईयर UPSC नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया, सेकेंड है अमोनिया नाइट्रेट, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट एंड लास्ट ऑप्शन है CAN। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, जो यूरिया है NH2CO, जिसे डाइएमाइड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दो एमाइड ग्रुप है, इसी कारण इसको जो डाइएमाइड भी कहा जाता है। तो इसी में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है परसेंटेज वह सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, द्रव के संरक्षण का नियम किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है लेवासी, सेकेंड है जोसेफ लुइस ब्राउस्ट, थर्ड ऑप्शन है जॉन डाल्टन एंड लास्ट ऑप्शन है गे लुसैक। तो द्रव के संरक्षण का नियम लेवासी नामक, यहाँ पे जो जा लिखा है वहाँ पे सा होना चाहिए, लेवासी नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अगला प्रश्न है, NTP पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर गैस की एक मूल अणुओं का आयतन कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 22.4 लीटर, सेकेंड है 18 लीटर, थर्ड है 55.6 लीटर एंड लास्ट ऑप्शन है 50 लीटर। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 22.4 लीटर। अगला प्रश्न है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की ग्राम अणुओं की संख्या उसकी क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है मोलरता, सेकेंड है फॉर्मलता, थर्ड ऑप्शन है मोललता एंड लास्ट ऑप्शन है मोल प्रभाज। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, जो मोललता है इस पर जो है ताप टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा है जिस पर ताप का प्रभाव नहीं होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा मोललता। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति की कितनी इकाई होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकेंड है 5, थर्ड ऑप्शन है 8 एंड लास्ट ऑप्शन है 7। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी वाला 7। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता क्या कहलाता है? तो यह भी आपके प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है जो कि 2022 में पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन है अणु, सेकेंड है अणु सूत्र, थर्ड ऑप्शन है आणविक द्रव्यमान एंड लास्ट ऑप्शन है परमाणु। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परमाणु, जो एटम है यह जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा एटम। अगला प्रश्न है, मोलरता को प्रदर्शित करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लीटर प्रति मोल में, सेकेंड मोल प्रति लीटर में, थर्ड मोल प्रति 1000 ग्राम विलायक में एंड लास्ट ऑप्शन है ग्राम प्रति लीटर में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, मोल प्रति लीटर में मोलरता को प्रदर्शित किया जाता है। तो सेशन खत्म होने से पहले, वीडियो खत्म होने से पहले आप लोग एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी मात्रक पद्धति केवल द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रकों पर आधारित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है SI, सेकेंड MKS, थर्ड FPS एंड लास्ट ऑप्शन है CGS। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट SI पद्धति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि मात्रकहीन राशि है? फर्स्ट ऑप्शन है वेग प्रवणता, सेकेंड दाब प्रवणता,
थर्ड ऑप्शन है विस्थापन परवर्ता एंड लास्ट ऑप्शन है बल परवर्ता। तो जो विस्थापन परवर्ता है वह एक प्रकार की मात्रकहीन विमान मतलब जो है यूनिटलेस राशि है। अगला प्रश्न है वह कौन सी मूलभूत राशि है जो पृष्ठ तनाव और श्यानता गुणांक के विमीय सूत्रों में समान घात रखती है। फर्स्ट ऑप्शन है द्रव्यमान, सेकेंड है लंबाई, थर्ड ऑप्शन है समय एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला द्रव्यमान। अगला प्रश्न है एक माइक्रोन और नैनोमीटर का अनुपात कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन 10^3, सेकेंड 10^-3, थर्ड ऑप्शन है 10^-6 एंड लास्ट ऑप्शन है 10^-1। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 10^3। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके पदों में ताप को व्युत्पन्न राशि की तरह व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है लंबाई ओम द्रव्यमान, सेकेंड द्रव्यमान ओम समय, थर्ड लंबाई द्रव्यमान लंबाई ओम समय एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पूछा है किसके पदों में ताप को व्युत्पन्न राशि की तरह व्यक्त किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला इनमें से कोई नहीं। यहाँ बोला है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची टाइप के या मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आपके UPBSC नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो है हम फिर भी बता देते हैं आप लोग को यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा पृथ्वी एवं तारे के मध्य की दूरी जो है उसे प्रकाश वर्ष में नापा जाता है, नाभिक के आकार को जो है फर्मी में नापा जाता है एंड लंबाई यहाँ पे लंबाई या दूरी यहाँ पे लंबाई का मात्रक दिया है एंड एक ठोस में अंतर। तो यहाँ पे ऐसे रहेगा ए का 3 है, बी का 2, सी का 4, डी का फर्स्ट 3, 2, 4, 1। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 3, 2, 4, बी का हो गया एक ठोस में अंतर 3, 2, 4, 1। जो यहाँ पे हो जाएगा एक ठोस में परमाणु दूरी को जो है एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है सी का 3, 2, 4, 1। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा वो जाएगा फर्मी एंड औरक्त लेजर जो है वह हो जाएगा माइक्रॉन। फिर से देखिएगा जो पृथ्वी एवं तारे के मध्य की दूरी है इसको प्रकाश वर्ष में मापते हैं, एक ठोस में परमाणु दूरी को जो है एंगस्ट्रॉम में, नाभिक के आकार को फर्मी में, औरक्त लेजर की तरंग दैर्ध्य जो है उसको जो है माइक्रॉन में मापते हैं। तो यहाँ पे जो है 3, 2, 4, 1। तो आपको क्या करना 3, 2, 4, 1। अगर आपको 2 आसानी से आ रहा है तो आप लोग 2 आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे जो इसका कोड जो सही रहेगा वह जो है बी वाला रहेगा 3, ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा एंड डी का फर्स्ट। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मात्रक समय का मात्रक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रो सेकेंड, सेकेंड है लीप वर्स, थर्ड है चंद्रमास एंड लास्ट ऑप्शन है पैराल। तो पैराल जो है वह टाइम का मात्रक नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे छोटी इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन है मिलीमीटर, सेकेंड एंगस्ट्रॉम, थर्ड ऑप्शन है फर्मी एंड लास्ट ऑप्शन है मीटर। तो फर्मी जो है जिससे नाभिक की त्रिज्या को मापा जाता है यह जो सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है मतलब सही मिलाया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया 1 कैलोरी = 4.18 जूल, सेकेंड है 1 एंगस्ट्रॉम = 10^-10 मीटर, थर्ड है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10^-13 जूल एंड लास्ट है 1 न्यूटन = 10^-5 डाइन। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है 1 न्यूटन = 10^-5 डाइन होता है। अगला प्रश्न है पारसेक किसकी इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन है समय, सेकेंड है दूरी, थर्ड ऑप्शन है आवृत्ति एंड लास्ट ऑप्शन है कोणीय त्वरण। तो पारसेक जो है यह जो है दूरी की इकाई है, दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है पलांक नियतांक और जड़त आघूर्ण की बीमाओं का अनुपात इनमें से किसकी बीमाओं के समतुल्य होगा। फर्स्ट ऑप्शन है वेग, सेकेंड है कोणीय संवेग, थर्ड है समय एंड लास्ट ऑप्शन है आवृत्ति। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला वेग। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बल की बीमा नहीं दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है विभव परवर्ता, सेकेंड है ऊर्जा परवर्ता, थर्ड है भार एंड लास्ट ऑप्शन है संवेग परिवर्तन की दर। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला विभव परवर्ता जो है बल की बीमा नहीं दर्शाता है।
अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है विमीय रूप से सही समीकरण सही हो सकती है। सेकेंड है विमीय रूप से सही समीकरण गलत हो सकती है। थर्ड है विमीय रूप से गलत समीकरण सही हो सकती है। एंड लास्ट है विमीय रूप से गलत समीकरण गलत होती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है, विमीय रूप से गलत समीकरण सही हो सकती है, या स्टेटमेंट या कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है एक बीमाहीन राशि का क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में कभी मात्रक नहीं होता है। सेकेंड है सदैव मात्रक होता है। थर्ड ऑप्शन है मात्रक हो सकता है। लास्ट ऑप्शन है अस्तित्व नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, एक बीमाहीन राशि का मात्रक हो सकता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है एक मात्रकहीन राशि का क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अस्तित्व नहीं होता। सेकेंड है सदैव अस्तित्व होता है, सदैव अशून्य। थर्ड ऑप्शन है कभी अशून्य बीमा नहीं होती। लास्ट ऑप्शन है अशून्य बीमा हो सकती है। तो एक मात्रकहीन राशि का कभी अशून्य बीमा नहीं होती है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है सभी व्युत्पन्न राशियां विमीय रूप से मूल राशियों के पदों में प्रदर्शित की जा सकती हैं। सेकेंड है एक मूल राशि विमीय रूप से दूसरी मूल राशियों के पदों में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। थर्ड है किसी व्युत्पन्न राशि की बीमा किसी मूल राशि में कभी शून्य नहीं हो सकती। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे, एक मूल राशि की बीमा अन्य मूल राशि में हमेशा शून्य होती है। तो असत्य कथन यहाँ पे हो जाएगा सी वाला, किसी भी उत्पन्न राशि की बीमा किसी मूल राशि में कभी शून्य नहीं हो सकती, या गलत कथन दिया गया है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कोणीय वेग का विमीय सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है एम नॉट एल नॉट टी की पावर माइनस वन। तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट ऑप्शन है। कोणीय वेग का जो विमीय सूत्र होता है एम की पावर मतलब जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर माइनस वन होता है। अगला प्रश्न है कुछ गैसों का अवस्था समीकरण निम्न है। यहाँ पे P प्लस ए पान बी का बी स्क्वायर का होल बी माइनस बी का होल इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पे पूछा जहाँ P दाब है, बी आयतन है, टी ताप है, तो A कामा B व R स्थिरांक है, तो A की बीमाएँ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एम एल फाइव टी की पावर माइनस टू। सेकेंड है एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। थर्ड ऑप्शन एल क्यू एंड लास्ट ऑप्शन है एल सिक्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, एम एल की पावर फाइव टी की पावर माइनस टू। ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से युग्म की बीमाएं समान नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है तनाव और पृष्ठ तनाव। सेकेंड है प्रतिबल और दाब। थर्ड ऑप्शन है प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग। लास्ट ऑप्शन है कोण और विकृति। तो प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का जो यहाँ पे बीमाएं समान नहीं है, यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट रहेगा, तनाव और पृष्ठ तनाव का जो है बीमा समान नहीं है। यहाँ पे बाकी तीनों जो दिए गए हैं इन सबका बीमा जो है समान है। अगला प्रश्न है बल आघूर्ण का विमीय सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है एम एल की पावर थ्री टी की पावर माइनस थ्री। सेकेंड ऑप्शन है एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन। थर्ड ऑप्शन है एम एल की पावर इस टू टी की पावर माइनस टू। एंड लास्ट ऑप्शन है एम एल टी की पावर माइनस टू। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाला, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। अगला प्रश्न है सापेक्षिक घनत्व की बीमा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। सेकेंड है एम एल की पावर माइनस क्यूब। थर्ड है बीमाहीन। एंड लास्ट ऑप्शन है एम स्क्वायर एल की पावर माइनस सिक्स। तो पूछा है सापेक्षिक घनत्व की जो बीमा डायमेंशन होता है वह बीमाहीन या जो है डायमेंशन लेस राशि है। अगला प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की बीमाएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन। सेकेंड है एम की पावर माइनस टू एल की पावर क्यूब टी की पावर माइनस टू। थर्ड है एम की पावर माइनस टू एल की पावर स्क्वायर टी की पावर माइनस वन। एंड लास्ट है एम की पावर माइनस वन एल क्यूब टी की पावर माइनस टू। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की जो बीमा है वह एम की पावर माइनस वन एल की पावर क्यूब टी की पावर माइनस टू। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है यंग की शून्य त्रुटि किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे पूछा यंत्र की
यंत्र की शून्य त्रुटि किसका उदाहरण, यहाँ पे जो है ऐसे, यहाँ पे जो त्रुटि लिखा रहेगा, यहाँ पे जो त्रुटि ये जो है ऐसे गलत लिखा गया है, तो यंत्र की शून्य त्रुटि किसका उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रमबद्ध त्रुटि, सेकेंड है यादृच्छिक त्रुटि, थर्ड है दोनों भिन्नात्मक त्रुटियाँ, एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो यंत्र की जो शून्य त्रुटि होगी वह क्रमबद्ध त्रुटि का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है सामान विमीय सूत्र की दो भौतिक राशियाँ जिनमें से एक सदिश है व एक अदिश है निम्न में से है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्य और ऊर्जा, सेकेंड है बल आघूर्ण और कार्य, थर्ड ऑप्शन है आवेग और संवेग, एंड लास्ट ऑप्शन है शक्ति और दाब। तो यहाँ पे संवेग दिया रहेगा और यहाँ पे जो है और करके ऊर्जा, बट यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, बल आघूर्ण और कार्य। ये दोनों क्या है, एक बल आघूर्ण जो एक सदिश राशि है और जो कार्य वह एक अदिश राशि है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है तरंग संख्या का विमीय सूत्र है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर माइनस वन, सेकेंड है एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस वन, टी की पावर जीरो, थर्ड है एम की पावर जीरो, एल की पावर माइनस वन, टी की पावर जीरो, एंड लास्ट ऑप्शन है एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो। तो पूछा क्या है तरंग संख्या का विमीय सूत्र क्या है, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, एम की पावर जीरो, एल की पावर माइनस वन, टी की पावर जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषक सूक्ष्म जीव का स्रोत कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है उद्योग तथा रसायन कारखाने, सेकेंड है औद्योगिक कारखानों, थर्ड ऑप्शन है घरेलू सीवेज, एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू वाहित मल या घरेलू सीवेज जो है वही प्रदूषक सूक्ष्म जीव का स्रोत है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अधिकतम अणुओं की संख्या किसमें है। फर्स्ट ऑप्शन है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, सेकेंड है 48 ग्राम ओजोन में, थर्ड ऑप्शन है 8 ग्राम हाइड्रोजन में, एंड लास्ट ऑप्शन है 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में। तो अधिकतम अणुओं की संख्या जो होगा वह 8 ग्राम हाइड्रोजन में होगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अवोगाद्रो संख्या अणुओं की वह संख्या है जो उपस्थित रहती है। फर्स्ट ऑप्शन है NTP पर 22.4 लीटर गैस में, सेकेंड है किसी पदार्थ के एक मोल में, थर्ड है पदार्थ के एक ग्राम अणुभार, एंड लास्ट ऑप्शन है सभी। तो एवोगाड्रो संख्या जो है वह अणुओं की वह संख्या जो कि उपस्थित होता है NTP पर 22.4 लीटर गैस में, किसी पदार्थ के एक मोल में, एंड लास्ट थर्ड ऑप्शन है पदार्थ के एक ग्राम अणुभार में, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा यहाँ पे, ये सभी इन तीनों में क्या है उपस्थित होता है। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल मेडिकल पल्सनेट, प्लीज़ शेयर माई वीडियो इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप विद यूर फ्रेंड्स एंड यूर क्लासमेट्स। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करके इस PDF को आसानी से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।